नमस्कार, स्वागत है आपका फिल्मी बीट में। आपके साथ मैं हूँ दीपिका नयार। क्या करण जौहर डिजाइनर प्रबल गुरंग को डेट कर रहे हैं? दरअसल ये हमारा कहना नहीं ही है, बल्कि एक पोस्ट के जरिए फैंस ये कयास लगा रहे हैं। करण जौहर अपने फैशन के जलवे के अलावा अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। स्टार्स और सेलेब्स भी उनके स्टाइल स्टेटमेंट की तारीफ करते हैं। करण जौहर अपने शो कॉफी विद करण में अक्सर सेलेब्स की पर्सनल लाइफ के बारे में बात करते हुए नजर आते हैं, लेकिन करण की पर्सनल लाइफ के सीक्रेट्स बरकरार है। हाल ही में एक डिजाइनर ने करण जौहर के लिए एक पोस्ट लिखा है, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि करण जौहर उस डिजाइनर को डेट कर रहे हैं। अमेरिकन नेपाली फैशन डिजाइनर प्रबल गुरंग ने अपने पोस्ट के जरिए अपने और बॉलीवुड डायरेक्टर के रिलेशनशिप की तरफ इशारा किया है। इंस्टाग्राम पर प्रबल ने एक तस्वीर शेयर करते हुए पोस्ट लिखा है। तस्वीर में करण ने प्रबल के गले में अपनी बाहें डाली है। इस तस्वीर को शेयर करते हुए वो लिखते हैं, प्यार किया तो डरना क्या, हैप्पी बर्थडे केजो। इस तस्वीर के सामने आने के बाद करण जौहर से उनके फैंस सवाल कर रहे हैं, क्या वो सच में डिजाइनर प्रबल को डेट कर रहे हैं? ऐसे में करण जौहर ने भी डिजाइनर प्रबल को जवाब में लिखा है, कंट्रोल योरसेल्फ भैया। आपको बता दें कि दोनों सेलेब्स न्यूयॉर्क में थे। खबरों के मुताबिक करण जौहर के जन्मदिन के मौके पर ये दोनों सेलेब्स साथ में थे। इस स्पेशल डे को दोनों ने साथ में न्यूयॉर्क में एक होटल में सेलिब्रेट किया। बहरहाल इस तरह की बातें सामने आने के बाद प्रबल ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लंबा चौड़ा पोस्ट भी लिखा है और बताया है कि वो करण जौहर को डेट नहीं कर रहे हैं, उन्होंने सिर्फ उनको बर्थडे विश किया था। बहरहाल मामला तूल पकड़ते देख प्रबल ने सफाई तो दे डाली, लेकिन फैंस के दिल में अभी भी ये सवाल है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के काफी ज्यादा नजदीक थे। बात अगर करण जौहर के वर्कफ्रंट की जाए तो करण जौहर की हाल ही में दो फिल्में रिलीज हुई थी, पहली कलंक और दूसरी स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2। ये दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल नहीं दिखा पाई, लेकिन करण जौहर की पर्सनल लाइफ ने सुर्खियां पकड़ ली है। देखना होगा करण जौहर इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहते हैं। खैर, हमारे इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन बाकी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलेगा।